दिलीप तिर्की भारतीय हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस वाई खुरेशी, हॉकी इंडिया फेडरेशन और हॉकी इंडिया को चुनाव कराने के लिए शुक्रिया अदा किया है। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय हॉकी नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। उन्होंने पत्र लिखकर चुनाव का आयोजन करने वाले सभी जिम्मेदार अधिकारियों को धन्यवाद कहा। दिलीप पहले से ही अध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार थे। शुरुआत में झारखंड और उत्तर प्रदेश हॉकी फेडरेशन के अध्यक्षों ने भी अपना नाम हॉकी इंडिया अध्यक्ष पद चुनाव के लिए दाखिल किया था, लेकिन बाद में दोनों ने अपना नाम वापसी ले लिया। हॉकी इंडिया के चुनाव 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन नतीजों का ऐलान पहले से ही कर दिया गया क्योंकि किसी भी जगह के लिए कोई दावेदार नहीं था। फेडरेशन के कानून के अनुसार मौजूदा उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हॉकी के अध्यक्ष राकेश काटियाल और झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने भी पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नाम दाखिल किया था, लेकिन शुक्रवार को दोनों ने अपना नाम वापसी ले लिया। भोलानाथ प्रधान सचिव के पद पर चुने गए। FIH ने अपने पत्र में कहा गया कि जब किसी पद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या बराबर या उससे कम हो तो उन्हें हॉकी इंडिया की वेबसाइट पर चुनाव नियमों के अनुसार निर्विरोध माना जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।